हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आपके सामने रोज की तरह उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। क्यों भाई, ऐसा ही है ना। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो, और कैसे आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? निर्भय जी, सोनी जी, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है भाई? अर्पित जी, 100 नू, यादव जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। रितु, अरुण, नागेश, कविता, बबली, सारे लोगों को बहुत स्पेशल गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, हर्षवर्धन किस धर्म का समर्थक था? बताएं, हर्षवर्धन किस धर्म का समर्थक था? बताएं। चले बताएं, पहले शिव जी का, नम्रता जी, फिर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का। वेरी गुड, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। कोई एक उत्तर लगाना होगा तो आप बौद्ध धर्म ही लगाएंगे, ठीक है? चार ऑप्शन दिए रहेंगे और आप बौद्ध धर्म ही उत्तर लगाइएगा। चलो अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित एक सभा का आयोजन कहां हुआ था जिसकी अध्यक्षता वेन सांग ने किया हुआ था? बताएं, बौद्ध धर्म से संबंधित। वेरी गुड पवन जी, क्या बात है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मतलब कन्नौज, बहुत बढ़िया। प्रत्युष जी, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, महामोक्ष परिषद सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? महामोक्ष परिषद सम्मेलन का आयोजन, बिल्कुल सही है सोना जी, अंकित जी, रीता, बिल्कुल ठीक है बच्चे। हाँ, महामोक्ष परिषद, श्रुति, बिल्कुल सही बच्चे, प्रयाग, अनुराग, अनिल, निर्भय जी, वंदना जी, बिल्कुल सही, प्रयागराज, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे और इनकी पुस्तकें कौन थी? हर्षवर्धन के दरबारी दो आपको बताया हुआ था, दोनों के नाम बताएं और पुस्तकें कौन सी लिखी हुई थी? बाण भट्ट, प्रत्युष जी, बिल्कुल सही, पवन जी, कादम्बिनी, अच्छा कादम्बरी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनी जी, रश्मि जी, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। बाण भट्ट की कादंबरी और बाण भट्ट की एक दूसरी किताब हर्षचरित। बाण भट्ट की कादंबरी, कादंबरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हर्षचरित, याद रखेंगे। और दूसरा ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने कौन सी किताब लिखी? ब्रह्म सिद्धांत। जितेंद्र जी, बिल्कुल सही पहुंचा दिया मुझे आपने, ठीक है। अगला प्रश्न, अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? अरब आक्रमण की जानकारी दो तीन पुस्तकों से मिलती है, लेकिन आपके पेपर में यही वाला प्रश्न पूछा जाएगा कभी भी। चचनामा, उत्कर्षी, कहां रह गए थे, पहली बार आज दिखाई दे रहे हैं। साधना जी, बिल्कुल ठीक बच्चे, बहुत बढ़िया, चचनामा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? सारे लोगों को ही पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, विश्वास है आप लोगों के ऊपर। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जजिया कर भारत में किसने और किस क्षेत्र में लगाया हुआ था? भारत में जजिया कर, जजिया कोई धार्मिक कर नहीं था बल्कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, बिल्कुल ठीक है। बताएं, अरबों ने लगाया था अनुराग जी, बिल्कुल ठीक है, सिंध क्षेत्र में, वेरी गुड, मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही बबली जी, बहुत बढ़िया, अरबों ने सिंध क्षेत्र में, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पंचतंत्र का तथा ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद अरबी भाषा में किस नाम से हुआ था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक, पुस्तक का नाम क्या था? बिल्कुल ठीक है, बताएं। कालिया? नहीं भाई, कालिया तो अमिताभ बच्चन साहब थे, कविता जी, कलीला वादिम, ना मैं समझ गया, ठीक है। सचिन जी, अल्फजारी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विभा, रश्मि, आप सारे लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। उष्मा जी, कलीला वादिम, ना वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। शेफाली जी, बिल्कुल कलीला वादिम, ना इब्न उल साहिब। नम्रता जी, बिल्कुल सही, इब्न उल साहिब, इब्न उल साहिब और कलीला वा दिमना। लास्ट प्रश्न, दिरहम नामक सिक्के किसने चलाए हुए थे? दिरहम तांबा का सिक्का था, कल मैंने बताया था, बिल्कुल ठीक है।
उष्मा जी, रजत जी, उत्कर्ष जी बिल्कुल सही। दिरहम नामक सिक्का अरबों ने चलाया हुआ था, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है काजल, अर्पित, सुप्रिया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हैं हम लोग और उम्मीद करता हूं कोई परेशानी नहीं आ रही होगी आप लोगों को, और मेरे पे विश्वास बस बनाए रखना, कुछ भी छूटेगा नहीं आपके पेपर में। इधर उधर करते करते आपसे विदा में लेते लेते इतना सारा कुछ करा दूंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। गलती से अगर चला गया तो मुझे कुछ शिकायत नहीं करना इस बात के लिए, एक प्रश्न कुल हमेशा मैं छोड़ करके चलता हूं, नहीं तो प्रश्न जाएगा नहीं बाहर, इत्मीनान बनाए रखना। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में कल हम लोग देख रहे थे अरबों का आक्रमण करा दिया था, वर्धन मंच पढ़ लिया हुआ था, और उसके बाद कन्नौज का महत्व क्या था वो हम लोग देख रहे थे। सातवीं सदी उत्तरार्ध और आठवीं सदी की शुरुआत में कन्नौज पे यशोवर्मन का शासन था, यहां तक हम लोग कर लिए हुए थे। कन्नौज की बात हो रही थी, कन्नौज का महत्व क्या था, कन्नौज का इतना ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक महत्व था कि कोई भी उस समय की बड़ी शक्ति। हाँ जितेंद्र जी मैंने कल पढ़ लिया था आपकी बात। आशुतोष जी क्या लिख रहे हैं, सर जी यूपी के बारे में भी बताइए कि उसकी तैयारी कैसे करें। अच्छा बहुत ही आसान सा है, चलो मैं इस पे भी आपको बताऊंगा। एक दिन पूरा जीएस यूपी वगैरह, हालांकि रवि सर जो पढ़ा रहे हैं अभी पहले भी पढ़ाया था और आगे भी पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहना, बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं रवि सर। हालांकि उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, एक छोटी सी चीज बताएंगे तैयार हो जाएगा पूरा। कन्नौज इस समय काल में सातवीं आठवीं सदी में कन्नौज का बहुत ही विशेष महत्व रहा उत्तर भारत में, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से, और कोई भी उस समय की बड़ी शक्ति इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना पसंद करना चाहती थी। आपको मैंने बताया था कि सातवीं सदी उत्तरार्ध या आठवीं सदी शुरुआत में यहां पर एक राजा था यशोवर्मन। तो हर्षवर्धन के बाद जो अगला नाम आता है यशोवर्मन का, एक प्रोमिनेंट किंग के तौर पे, यशोवर्मन के दरबार में दो व्यक्ति रहते थे, कल भी मैंने बताया था, मालती माधव महावीर चरित लिखने वाले भवभूति साहब और गौड़वाह लिखने वाले बागपति, यहां तक बात हो चुकी थी। यशोवर्मन के बाद कन्नौज पे आयुध वंश का शासन हुआ, अब ध्यान देंगे आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ, और इसके जो राजा थे उनका नाम था इंद्रायुध। कौन था भाई, इंद्र आयुध अर्थात इंद्रायुध। इंद्रायुध को गद्दी से हटाया जाता है, किसने हटाया, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने, कल आपको नोट्स मिल गया होगा, धर्मपाल ने पद से हटाया और पद पे किसी को बैठाया, वो था किसको बैठाया, चक्रायुध को बैठाया, चक्रायुध को बैठाया, भाई थे दोनों। मतलब ये कि कन्नौज के सत्ता में पाल वंश के धर्मपाल ने, धर्मपाल जो राजा था वो पाल वंश का था, धर्मपाल ने हस्तक्षेप किया, राजा किसको बना दिया, चक्रायुध को। यह बात कुछ और राजवंश के लोगों को पसंद नहीं आई। किनको नहीं पसंद आई, एक तरफ ये हो गया बिहार बंगाल का एरिया, यहां पे थे पाल वंश, ये हो गया एरिया यहां पे थे प्रतिहार वंश, और ये वाला जो एरिया हो गया यहां पे थे राष्ट्रकूट वंश, ये हो गया कन्नौज। इन्होंने हस्तक्षेप किया, इनको पसंद नहीं आया। यहां के जो शुरुआती राजा थे धर्मपाल, तो ध्यान में रखें कि त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत किस एक राजा ने किया, तो उसका उत्तर होगा धर्मपाल। त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत किस एक राजा ने किया, उत्तर होगा धर्मपाल। दूसरी बात, जब धर्मपाल ने यहां पे हस्तक्षेप किया तो यहां का जो राजा था उसका नाम था वत्सराज। क्या नाम था, वत्सराज। इनके पहला जो राजा था प्रतिहार का, प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्या, गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज अच्छा नहीं लगा, इन्होंने यहां पे अटैक किया, धर्मपाल को हराते हैं, लेकिन
कुछ विशेष उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। इसी दौरान जो राष्ट्रकूटों का राजा था उसका नाम था ध्रुव। तो शुरुआत किन लोगों ने किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, धर्मपाल इधर से वत्सराज और इधर से ध्रुव, इन तीन लोगों ने ही पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तीन अलग अलग राजवंशों से जुड़े हुए, क्षेत्रों से जुड़े हुए। ध्रुव साहब जाते हैं, इनको भी हराते हैं, इनको भी हराते हैं। अब दो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया? धर्मपाल। अलग से कहीं नोट कर लेना इस बात को। पहला प्रश्न, प्रथम जिसने भाग लिया वो था धर्मपाल। दूसरा, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन से लोग थे इसमें? सर्वाधिक शक्तिशाली तीनों राजवंशों में तो ये लोग थे, राष्ट्रकूट सर्वाधिक शक्तिशाली थे। और तीसरा एक प्रश्न जो बनेगा वो ये कि कन्नौज पर अंतिम रूप से विजय किसको मिली, अर्थात अंतिम रूप से, अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस एक राजवंश को जीत मिली? तो उसका उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार। ये तीन अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। कन्नौज में अंतिम रूप से विजय किसको मिली? अंतिम रूप से विजय, तीन अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो प्रतिहारों को मिली, अर्थात गुर्जर प्रतिहार, पूरा नाम गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों को अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय मिली हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आयुध वंश के राजा इंद्रायुध को हटाता है धर्मपाल, मदद करता है चक्रायुध को राजा बनने में। यह बात वत्सराज को पसंद नहीं आया, यह बात ध्रुव को पसंद नहीं आया, और एक सत्ता का संघर्ष हो जाता है कन्नौज पर आधिपत्य करने को लेकर, कन्नौज पर अपनी पकड़ बनाने को लेकर के। और ये तीनों की तीनों जो राजवंश थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राजपूत वंश, अगले 200 वर्षों तक, अगले 200 वर्षों तक, अर्थात त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग कितने वर्ष तक चला? लगभग 200 वर्षों तक चला। अगले 200 वर्षों तक राजा यहां बदलता था, राजा यहां बदलता था, राजा यहां बदलता रहता था 30-40 वर्षों में। और ये लोग जो भी राजा बदलते रहते थे आपस में ये लड़ाई जारी रखते थे। 200 वर्षों तक यह लड़ाई चलती रह गई और अंत में ऐसा हुआ कि न ये मजबूत रह पाए, न ये मजबूत रह पाए, न ये मजबूत रह पाए। तीनों जो इस समय काल में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे भारत में, वो तीनों के तीनों पतनशील हो जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और जैसे ही अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को इस पे जीत मिलती है तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हो जाती कन्नौज, ये सारी बात हम देखेंगे। और प्रतिहार भी कमजोर पड़ जाते हैं पाल और राष्ट्रकूटों की तरह। और इन क्षेत्रों पर चूंकि प्रतिहारों का क्षेत्र हो गया था तो जैसे ही ये कमजोर पड़ते हैं, कमजोर राजा होते हैं गुर्जर प्रतिहार में, तो जगह जगह पे, जगह जगह पे कुछ इनके सामंती राजा लोग स्वतंत्र राजसत्ता, फिर से इसको ऐसे समझिए, मुझे समझ आ जाता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दोबारा से इसको, अंतिम रूप से जीत मिली प्रतिहारों को, कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया? प्रतिहारों का। एक भूमिका बांध रहे हैं आपको समझाने के लिए। प्रतिहार जब पतनशील हो जाते हैं, अर्थात जब कमजोर हो जाते हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र पर इनका प्रतिहारों का यह शासन था। प्रतिहार राजधानी कहां पे हो गई? ये कन्नौज हो गई राजधानी, प्रतिहार कन्नौज इनकी राजधानी हो गई। अब जगह जगह पे जैसे ही ये कमजोर होते हैं, पतनशील होते हैं, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों में इनके सामंती जो भी लोग थे, इनके सामंत थे, स्वतंत्र होने लगे, स्वतंत्र हुए और नए कुछ राजवंश देखने को मिलते हैं। नए राजवंश जैसे कौन कौन से, आपने नाम सुना होगा चंदेल राजवंश, कहां पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में, चंदेल। अब ये चंदेल कौन थे? ये कोई स्वाभाविक रूप से राजा या राजवंश नहीं था, किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। जब प्रतिहार कमजोर हो जाते हैं तो चंदेल राजवंश एक नया देखने को मिलता है इतिहास में। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा परमार, ये परमार कहां पे थे? परमार राजवंश कहां पे थे? ये सारी बात मैं बताऊंगा।
ये मालवा क्षेत्र में जो इनके सामंत थे, इन्होंने मालवा क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। इसके अलावा आपने चालुक्य वंश का भी नाम सुना होगा। कुछ समय के लिए इनके सामंत लोग थे, प्रतिहारों के सामंत की स्थिति में आ गए थे चालुक्य लोग। और यहां पे भीम का नाम सुने होंगे आप लोग, भीम प्रथम का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, मूल राज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भीम द्वितीय का नाम सुना होगा। ये कुछ चालुक्य वंश के जो गुजरात क्षेत्र में था, ये भी इनके कुछ वर्षों के लिए सामंत हो जाते हैं, बाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित होती है। इसके अलावा आपने चौहानों का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान का। ये जो चौहान राजवंश था अजमेर क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में अजमेर, इसके आसपास इनका राजवंश था। और चौहान कोई स्वतंत्र राजा लोग नहीं थे, ये इनके सामंत थे। जब ये कमजोर हो जाते हैं तो ये भी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ कौन? पृथ्वीराज चौहान। ऐसे पांच छह प्रमुख रूप से राजवंश देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सारे सारे राजपूत राजवंश देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या क्या थी? इनकी समस्या ये थी कि आपस में ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे, आपस में एकता नहीं थी, मिलजुल करके रहना पसंद नहीं करते थे। और सबसे बड़े क्रांतिकारी तो पृथ्वीराज चौहान थे। आसपास के जो भी राजवंश थे चैन से रहने नहीं देते थे, कभी इनके आटे कभी उनके आटे, जबरदस्ती छीनने की कोशिश इनकी होती थी। और यही कारण हुआ कि महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, इतनी दूर से आता है, गजनी से आता है, लेकिन आपस में ये देशवासी संगठित नहीं थे। आता है किसी क्षेत्र पर अटैक करता है, बगल वाला उसकी मदद नहीं करता, वहां से सोना लूट करके अपने यहां ले जाता है। और महमूद गजनवी के बाद यही हाल हुआ मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी भी आता है, आपस में इन राजपूत राजवंशों में एकता नहीं थी, एक दूसरे को लोग मदद नहीं करते थे। मन में यही आता था हमारे यहां थोड़ी हो रहा है, उनके यहां हो रहा है, कोई विदेशी आ रहा है उनको लूट करके ले जा रहा है, उनके क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है, हमसे क्या मतलब। यही गलती हो गई। दूसरे को सपोर्ट नहीं किए ये लोग, और कोई भी विदेशी आता था बहुत आसानी से उनके क्षेत्रों को जीतता चला गया, बारी बारी से। यही स्थिति हुई कि राजपूत कमजोर पड़ गए और भारत में मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। मोहम्मद गोरी उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को जीतता है अपने गुलाम या दासों की मदद से, और भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है, गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है, मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है। निचोड़ क्या निकला? कन्नौज अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, अंतिम रूप से प्रतिहारों को जीत मिल जाती है, और प्रतिहार कमजोर होते हैं, इनके क्षेत्रों पर इनके सामंती लोगों ने स्वतंत्र राजवंश स्थापित किया। ये कुछ सामंती लोग थे इसमें जो है। फिर कन्नौज में एक गहड़वाल वंश भी आ जाएगा, जयचंद जहां का राजा था, चंदावर का युद्ध हारा हुआ था। ऐसे लोग जो सामंत थे किनके? प्रतिहारों के, आपस में लड़ाई झगड़ा किए रहते थे, इसी वजह से महमूद गजनवी आता है, आराम से यहां पे हराता है, जीत करके जाता है सोना। बाद में मोहम्मद गोरी आता है, इन लोगों को हराता है, और उसने यहां लूटने के लिए आक्रमण नहीं किया था, क्षेत्र जीतने के लिए आक्रमण किया। और यही कारण था कि भारत में राजपूत डाउनफॉल कर जाते हैं और मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। यह कुछ बेसिक बात थी आपको समझाने के लिए। अब यहां पे आते हैं त्रिपक्षी संघर्ष पे। हमारा मुद्दा चला था त्रिपक्षी संघर्ष, एक भूमिका बांधने की कोशिश थी मेरी ताकि आप बात समझ सकें। त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन राजवंश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पाल वंश। अब बारी बारी से सबके विषय में देखते हैं। पाल वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले तो पाल वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इनका क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र में ये शासन किया करते थे। तो इनका क्षेत्र था बंगाल और बिहार, बंगाल बिहार का क्षेत्र। दूसरा, इन लोग जो भी राजा थे किस धर्म को फॉलो करते थे, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। पाल वंश के जो राजा होते थे किस धर्म को सपोर्ट करते थे या फॉलोअर थे? बौद्ध धर्म के। तीसरा, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और एक प्रश्न बनेगा, प्राचीन काल में अंतिम राजवंश कौन था? जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई हुई थी।
तो पाटलिपुत्र राजधानी यह हो गया अंतिम राजवंश, कौन सा? पाल वंश। पाल वंश ये अंतिम राजवंश हो गया जिन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र में अपनी बनाई हुई थी। हालांकि कुछ समय के बाद राजधानी ये ट्रांसफर भी हो जाती है। अगली बात, लगभग 400 वर्षों तक, लगभग 400 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया हुआ था। ये कुछ बेसिक बातें थी, इन लोगों ने अर्थात पाल वंश के लोगों ने शासन किया। ये चार पांच कुछ बेसिक बात हो गई। इसमें एक पांचवी बात, संस्थापक कौन था पाल वंश का? तो पाल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है गोपाल। कौन भाई? गोपाल। और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब किया? 750 ईस्वी। कब की बात है? 750 ईस्वी। कोई समस्या आ रही तो बताओ जरा पहले। आपस में सिर्फ बातचीत हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, कोई परेशानी आ रही है बताएं। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कब से स्टार्ट होगी? बहुत जल्दी हो जाएगी उस्मान जी, जून तक कैसे कंप्लीट हो पाएगा? अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है, जून में पेपर होगा, देखा जाएगा। परेशान हो ये तनिक भी? कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो पाल वंश की शुरुआत किस व्यक्ति ने किया या संस्थापक कौन था? गोपाल। कोई बस एक प्रश्न इनको लेकर के बनेगा, गोपाल इस वंश का संस्थापक था और कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इतिहास में इनको बहुत ज्यादा याद रखा जाए। गोपाल के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा धर्मपाल, और धर्मपाल इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा धर्मपाल था। शुरू करते हैं यहां से, धर्मपाल से। धर्मपाल के समय काल में कुछ प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई वो देखते हैं जरा। पहली बात, अभी वर्ष सन याद करना जरूरी नहीं है, ध्यान में रखें। इनकी कुछ उपाधि थी, प्रश्न बनेगा उत्तरापथ स्वामी किसकी उपाधि थी, एक प्रश्न, या परम सौगात किसकी उपाधि थी? तो इनकी उपाधि थी परम सौगात की, परम सौगात एंड उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी इनकी दो महत्वपूर्ण उपाधियां थी। दूसरी बात, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया हुआ था भागलपुर बिहार। इसके साथ साथ सोमपुरी, सोमपुरी बंगाल क्षेत्र, सोमपुरी बिहार की स्थापना भी इन्होंने ही कराया हुआ था। सोमपुरी बिहार की स्थापना, बिहार का मतलब आपको पहले से ही पता है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, निवास स्थान। तीसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाने के लिए इन्होंने 200 गांव दान में दिया हुआ था। अर्थात उस 200 गांव से जो भी टैक्स कलेक्ट होकर के आएगा तो खर्च उस पैसे से किसका चलेगा? नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाने के लिए 200 गांव दान में किसने दिया हुआ था? धर्मपाल ने दिया हुआ था। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं धर्मपाल को लेकर के। आपके सामने ये तीन लिखा हुआ है, और चौथा कौन सा राजा था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, धर्मपाल के बाद अगला जो नाम आएगा वो आएगा देवपाल का। किसका? देवपाल, धर्मपाल का बेटा। इसके समय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे देवपाल ने जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया। तो पाल वंश का वो कौन सा राजा था जिसने राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर किया? उसका नाम है देवपाल। पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर,
मुंगेर हो गया अब नई राजधानी पालवंश की। तो पालवंश की दो राजधानियां बारी बारी से, पहले पाटलिपुत्र बाद में मुंगेर। दूसरी बात, इन्होंने बंगाल क्षेत्र में ओदंतपुरी विहार की स्थापना कराई हुई थी। ओदंतपुरी विहार की स्थापना किसने कराई? तो ओदंतपुरी विहार की स्थापना देवपाल ने कराई हुई थी। तीसरी बात, इनके समय आपने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया की जो द्वीप है उनका नाम सुना होगा। तो जो जावा में जिस राजवंश की सत्ता थी, जावा, जावा द्वीप, तो जावा में जिस राजवंश की सत्ता थी वो थे शैलेंद्र वंशीय। तो जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा ने क्या अनुरोध किया इनसे? इन्होंने कहा, जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा ने अनुरोध किया कि मैं नालंदा में अपने लोग जो अपने यहां से जाते हैं उनके रुकने ठहरने के लिए एक विहार बनवाना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, आपके अनुरोध को मैं स्वीकार करता हूं और मैं कुछ पैसे उपलब्ध करा देता हूं जिससे वो बौद्ध विहार वहां पे बन जाए और आपके यहां के लोग आसानी से आकर के वहां पे रुक सकते हैं। तो जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा के अनुरोध पर इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए नालंदा में विहार बनवाने के लिए पांच गांव दान में दिया। यहां से जो पैसा आएगा उस पैसे का उपयोग कहां पे होगा? नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देवपाल के बाद अगला जो राजा हुआ उसका नाम था विग्रहपाल। विग्रहपाल को लेकर के आपसे कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, न पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना जरूरी है। विग्रहपाल के बाद अगला नाम आएगा नारायणपाल। इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इनको याद रखा जाए। इसके बाद नाम आएगा महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को लेकर के कुछ बातें निकल करके आती हैं। जैसे महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल प्रथम को कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने तिब्बत में धर्म प्रचार किसका? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए एक दूत मंडल भेजा हुआ था। तीसरी बात, इनके समय एक दरबारी थे इनके बहुत ही फेमस, जिनका नाम था जीमूतवाहन। महत्वपूर्ण मुद्दा है, जीमूतवाहन इनके एक दरबारी थे और इन्होंने एक किताब लिखी हुई थी जिसका नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण दाय भाग। पुस्तक के लेखक कौन है? तो दाय भाग पुस्तक के लेखक जीमूतवाहन है। जीमूतवाहन किसके दरबारी थे? महिपाल प्रथम के दरबारी थे। एक चौथा मुद्दा बनता है इनके समय काल को लेकर के, कि इनके समय काल में ही राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश का राजा था, चोल ने गंगा अभियान कराया हुआ था। गंगई कोंड चोलपुरम अपनी नई राजधानी बनाया था तमिलनाडु में। किसने? राजेंद्र चोल ने। शिव जी का मंदिर था, पंडित जी ने कहा कि शिव का मंदिर है, गंगा के पानी से इसका जल अभिषेक होगा, उद्घाटन होगा तो बहुत अच्छा रहता। अपने आप को बहुत लगाते थे, बहुत प्रतापी किस्म के राजा थे राजेंद्र। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, विक्रम चोल जो इनका सेनापति था उसको कहते हैं एक लुटिया जल लेते आइए। सेनापति सेना लेकर के निकलता है, एक रुपया जल लाना था। जो भी रास्ते में लोग मिलते गए, राजवंश राजा महाराजा मिलते गए, सबको हराता गया।
एक लुटिया जल लेकर के आया और जो भी लोग थे हारने वाले बीच में राजा महाराजा सबको बांध करके लाया कि चलिए वहां पे शिव जी का आशीर्वाद ले लीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कुछ एक लुटिया जल की कहानी थी। तो गंगा अभियान के समय पाल वंश का राजा कौन था जो हार गया था? वो था महिपाल प्रथम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो राजा हुआ उसका नाम था महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय के विषय में एक बात कि इसके समय बंगाल में एक जनजाति होती थी कैवर्त जनजाति। कैवर्त जनजाति का विद्रोह हुआ, कैवर्त जनजाति ने किसी मामले को लेकर के विद्रोह किया और इस विद्रोह में राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा की हत्या हो जाती है, राजा की मृत्यु मतलब इनकी मृत्यु हो गई। महिपाल द्वितीय के बाद प्रश्न बनेगा यह कैवर्त विद्रोह किसके समय काल में हुआ था? तो कैवर्त विद्रोह महिपाल द्वितीय के समय हुआ था, कैवर्त विद्रोह में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो राजा बना उसका नाम था रामपाल। क्या नाम था? रामपाल। रामपाल के जो दरबारी थे उनका नाम था संध्याकर नंदी। क्या नाम था? संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी। इनकी किताब का नाम है रामपाल चरित। रामपाल चरित, अपने राजा रामपाल के नाम पे इन्होंने किताब लिखी रामपाल चरित। और इस रामपाल चरित पुस्तक में ही कैवर्त विद्रोह का उल्लेख या चर्चा मिलता है। रामपाल चरित जिसने लिखा था नाम है संध्याकर नंदी, रामपाल के दरबारी थे और रामपाल चरित पुस्तक में ही संध्याकर नंदी ने किस विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है? कैवर्त विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है। इस वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था मदनपाल। क्या नाम था? मदनपाल। इस वंश का अंतिम राजा आगे बढ़ जाते हैं। जब पाल वंश की सत्ता समाप्त हो गई, तो पालों के स्थान पे पाल वंश के बाद अब कौन से लोग सत्ता में आते हैं बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में? सेन वंश का शासन हुआ। सेन वंश का, सेन वंश। पाल वंश के बाद बंगाल बिहार में किस राजवंश की स्थापना हुई? सेन वंश की। सेन वंश के विषय में कुछ बातें, जैसे ये लोग बौद्ध नहीं थे, ये लोग पंडित जी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, तो यह किस प्रकार का वंश था? ब्राह्मण वंश था। एक बात, स्थापना किसने किया? इस वंश की जो स्थापना किया उसका नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन। सेन वंश को लेकर के दो प्रश्न बनते हैं कि बंगाल बिहार क्षेत्र में आज तक में अगर देखा जाए तो दो प्रश्न बने हुए हैं और अगर यूपीएससी को भी जोड़ लिया जाए, आईएएस को भी, तो मुश्किल से चार प्रश्न बने हुए हैं। यूपीएससी में भी दो प्रकार के प्रश्न, अलग से आपके मतलब का वो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। दो प्रश्न पीसीएस को ध्यान में रख करके कि पालों के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई बंगाल बिहार क्षेत्र में? सेन वंश। दूसरा, बल्लाल सेन को लेकर के एक प्रश्न बना हुआ है और लक्ष्मण सेन को लेकर के भी, कुल तीन प्रश्न बने हुए हैं आज तक। देखते हैं बारी बारी से। स्थापना जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था सामंत सेन। सामंत सेन के बाद जो अगला राजा हुआ उसका नाम था बल्लाल सेन। सामंत सेन के बाद अगला राजा हुआ बल्लाल सेन। बल्लाल सेन के समय काल में दो बातें खास तौर से, क्या क्या? इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी, दो पुस्तक फेमस। एक का नाम है दान सागर, दान सागर, और एक किताब है अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। ये दो किताबें लिखी हुई थी इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने बंगाल क्षेत्र में एक सामाजिक आंदोलन चलाया हुआ था।
एक सामाजिक आंदोलन किसने चलाया, किस राजा ने बंगाल क्षेत्र में, उसका नाम है बल्लाल सेन। और ये जो सामाजिक आंदोलन चलाया हुआ था कुलीनवाद नाम से, किस नाम वाद से, कुलीनवाद नाम से एक सामाजिक आंदोलन किस राजा ने चलाया, बल्लाल सेन ने चलाया हुआ था। बल्लाल सेन के बाद अगला जो राजा हुआ, बल्लाल सेन के बाद अगला जो राजा हुआ, अच्छा एक बात और, इनकी राजधानी कहां पे थी, तो इनकी राजधानी बंगाल में एक जिला है नदिया, आप लोगों ने सुना होगा नदिया, तो सेन वंश की राजधानी कहां पे थी, नदिया में थी। बल्लाल सेन के बाद अगला जो राजा हुआ उसका नाम था लक्ष्मण सेन, क्या नाम था, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के लेकर के दो बातें, दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, आज तक बने हुए हैं। लक्ष्मण सेन का दरबारी कौन था, पहला दरबारी इनका कौन था, तो इनके दरबारी जो थे बहुत ही प्रमुख व्यक्ति अपने समय काल के, जिनका नाम था जयदेव, और जयदेव ने जो किताब लिखी हुई थी उसका नाम है गीत गोविंद, बहुत ही फेमस किताब गीत गोविंद, किसने लिखा हुआ है, जयदेव ने। जयदेव किसके दरबारी थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 1202 में मुहम्मद गोरी का एक दास या गुलाम, किसका, मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी के आदेश पे पूर्व का अभियान करता है, मोहम्मद गोरी का एक दास जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, क्या नाम था, बख्तियार खिलजी, पूर्व का अभियान करता है, पूर्व का अभियान करता है, ये वही है बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को क्षतिग्रस्त किया, नालंदा को क्षतिग्रस्त किसने किया था, आग लगा दिया था, महीनों तक आग जलती रह गई, इतना बड़ा आग वो था, आग लगा दिया किसने, नालंदा विश्वविद्यालय को, बख्तियार खिलजी ने। बिहार बंगाल की ओर बढ़ता है और इस समय जो राजा था वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से डर जाते हैं और अपनी राजधानी नदिया छोड़ करके भाग जाता है। तो बंगाल और बिहार पे अब किसका कब्जा हो गया, सेन वंश के बाद तुर्कों का कब्जा हो गया, किसका कब्जा हो गया, मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। अब यहां पे इतिहास मध्यकाल की शुरुआत हो जाएगी बंगाल बिहार क्षेत्र में। आज के लिए आप इतना तैयार करिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, बात समझ आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश को हराया था, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो कोई परेशानी हो रही है बताना जरा। प्रसून जी कोई परेशानी आ रही है, संदीप जी, उष्मा जी, दीपक जी, मनोज जी कोई परेशानी आ रही है, रवि जी, कुंवर जी, शेफाली जी, सुरभि जी, प्रसून जी, नहीं, चलो चलो उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो रोज की तरह बिल्कुल धीरे धीरे, मुझे तनिक भी जल्दीबाजी नहीं होती है तो मैं आपसे भी कहूंगा बिल्कुल धीरे धीरे याद होना चाहिए। मैं चाहूं तो बहुत जल्दी सब निपटा सकता हूं लेकिन याद होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा होगा सिर्फ मेरा ही विषय आप पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरे के विषय भी पढ़ रहे हैं, तो याद होना चाहिए, समय पर्याप्त मिलना चाहिए, क्लास के अलावा 3-4-5 घंटे की पढ़ाई आप कोशिश करें कि करते चले जाएं, और कैसे खत्म होगा वो सारा टेंशन आप टीचर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा समय निर्धारित समय में ही। मिलते हैं, धन्यवाद।